राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पैकेट में मिलने वाली शराब पी थी। कल्लाकुरुची जिले के करुणापुरम में 18 जून को हुई घटना में पीड़ितों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को कन्नकुटी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ है। कल्लाकुरुची में 12 एम्बुलेंस तैनात है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर मौत की असली वजह सामने आएगी। घटना के बाद राज्य सरकार ने कल्लाकुरुची के कलेक्टर एसपी को हटा दिया है। इनकी जगह एमएस प्रशांत को कलेक्टर और रजत चतुर्वेदी को एसपी नियुक्त किया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।